हेलो व्यूअर्स, आप सभी को हमारी होम जानकारी चैनल में स्वागत करते हैं फिर से और एक घर का प्लान में। व्यूअर्स, आज का जो हाउस प्लान है आपको 23 फीट बाई 26 फीट के ऊपर यह हाउस प्लान आप देखने वाले हैं। यहां पर आपको दो बेडरूम के साथ साथ एक अटैच लेटरिन बाथरूम और एक कॉमन लेटरिन बाथरूम, किचन, डाइनिंग और एक बाइक हो या साइकिल रखने की जगह देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल करें आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। यहां पर आपको 3D के साथ साथ 2D भी देखने को मिल जाएगा फुल हिसाब के साथ। तो व्यूअर्स, आपको पहले हम 3D दिखा देते हैं, बाहर का लुक और भीतर का लुक पूरा सब कुछ हम आपको दिखा देंगे। देखिए कुछ बन जाने के बाद ऐसा दिखेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर जब ये घर बन जाएगा तब जाके आपको ऐसा दिखेगा। ये एक टिन शेड हाउस डिजाइन है। ओके, यहाँ पर बाद में आप बाहर से इसको सीढ़ी करके छत मॉडल बना सकते हैं। अगर छत मॉडल बनाएंगे तो बाहर से सीढ़ी का करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए बाइक रखने की जगह और इधर से उधर बेडरूम में जाने के लिए बेडरूम के साथ साथ अटैच लेटरिन बाथरूम भी है। आप इसको देख सकते हैं, हम इसको घुमा के दिखा देते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर लेटरिन बाथरूम है और यहाँ पर आपका किचन रहेगा, किचन प्लस डाइनिंग। इधर आपका फ्रिज रहेगा, फ्रिज है आप देख सकते हैं। और आपका यहाँ पर आपका लेटरिन बाथरूम है देख सकते हैं। और इस तरह से आपको एक बेडरूम देखने को मिलेगा। तो दो बेडरूम के साथ साथ यहाँ पर आपको ये फुल डिजाइन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका जो 2D है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। वहाँ पर हम आपको फुल हिसाब के साथ दिखा देंगे, ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो देखिए इसका जो 2D है, इधर से लेके इधर तक और इधर से लेके इधर तक इसका जो है, इधर से है 26 फीट मतलब 26 फीट और इधर से है 23 फीट मतलब 23 फीट। तो देखिए इधर से आपको बाइक उठने का जगह है। इसका जो टोटल जगह है यहाँ पर बारंदा का, ये आपको 6 फीट बाई 6 फीट देखने को मिलेगा। देखिए ये है एक बरंदा, यहाँ पर आपका बाइक रहेगा या आप बैठ सकते हैं यहाँ पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर इसके मेन डोर जो है आपको देखने को मिल जाएगा 4 फीट बाई 6 फीट का मेन डोर का साइज है। और यहाँ पर आपको किचन प्लस डाइनिंग हॉल देखने को मिल जाएगा। हम लिख देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, किचन प्लस डाइनिंग हॉल लिख देते हैं हॉल। देखिए इसका जो लंबाई चौड़ाई आपको देखने को मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। इधर से होगा आपका 11 फीट होगा। ओके जी, उसके बाद इधर से 3 फीट बाई 3 फीट फ्रिज रखने की जगह और इधर से लेके इधर तक होगा आपका 14 फीट। ये 11 फीट होगा, हाँ ये 11 फीट होगा, लिख देता हूँ। देखिए इस साइड में 11 फिट। उसके बाद देखिए इस साइड में आपको एक लेटरिन बाथरूम देखने को मिलेगा। उसका डोर का साइज 2 फिट 6 इंच बाई 6 फिट है। इसका लंबाई चौड़ाई है 4 फिट बाई 8 फिट। ये एक लेटरिन प्लस बाथरूम है, ये कॉमन लेटरिन बाथरूम है जो सबको यूज कर सकते हैं। ये है एक बेडरूम, बेडरूम का जो डोर है आपको 3 फिट बाई 6 फिट देखने को मिलेगा। ये वाला बेडरूम का साइज होगा आपको 10 बाई 11। ये वाला बेडरूम का साइज होगा आपको 10 बाई 11। हम आपको लिख देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक बेडरूम देखने को मिलेगा, इसका साइज है आपको 3 फिट बाई 6 फिट देखने को मिलेगा। इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो आपको 10 बाई 12 देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसमें ही रूम में एक अटैच लेटरिन बाथरूम है। लेटरिन बाथरूम का जो मतलब लंबाई चौड़ाई है जो वो आपको देखने को मिलेगा सेम। इसका डोर का भी ये सेम 2 फिट 6 इंच बाई 6 फिट, लंबाई चौड़ाई भी सेम है आपका 4 बाई 8 है चौड़ाई, 4 फिट 8 फिट लंबा है। तो आप इसको देख सकते हैं।
जो वेंटिलेटर है हमने रखे हैं वो 1x1 है, विंडो सभी विंडो 4x4 फीट है, सभी विंडो 4x4 फीट रखे हैं। वॉल है 10 इंच सभी वॉल। तो व्यूअर्स ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर दीजिए। आपको कोई और भी अगर रिक्वायरमेंट रहेगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं और एक घर का प्लान में।